इस दिशा में कि हमारे यहाँ जो शास्त्रीय संगीत है वो सिर्फ हमारा ही देन है, पूरे हिंदुस्तान में जो शास्त्रीय संगीत है पूरे विश्व पे जाना जाता है। यहाँ से लोग लंदन से लेके अमेरिका से लेके सब जगह लोग जाते हैं, यहीं की चीज़ें लोग लेकर जाते हैं, वहाँ लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। नमस्कार साथियों, आज मैं हूं आजमगढ़ और आप देख रहे हैं सच सभी तक। और मैं पहुंच चुका हूं आजमगढ़ के एक गांव में जिसका नाम हरिहरपुर घराना है, और हमारे साथ आज हैं सुरेश कुमार मिश्रा जी, और आप देख रहे हैं साजबाज के साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले इनका हम स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल। मेरा नाम सुरेश कुमार मिश्रा हुआ, पिताजी का नाम मेरे श्री दयाराम मिश्रा हुआ, और मेरे गुरुजी का नाम पंडित श्री बुलबुल महाराज हुआ, जो बिहार के मुंगेर में रहते थे और वहीं उनको जाना जाता था, तमला सम्राट के नाम से जाने जाते थे, और यहीं उनका जन्म भी हुआ था, यहीं के रहने वाले हैं, और इत्तेफाक से मेरे रिश्ते में नाना जी भी लगते थे। सबसे पहले मैं एक गाने यानी कि इससे शुरू करूँगा, आप एक बार बजाइए और फिर अपने मुख से वादक कीजिए। तबला में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा चीज़ आपको सुनाऊंगा जिसमें एक शब्द है धिनगिन। उस तबले में धिनगिन का प्रयोग कितना बार हुआ है मैं आपको पहले मुंह से बोल के सुनाता हूँ। धिन धा धा घिनगिन धगतिक धिनगिन तक धिन ननकट तकट तकट धा गणनक धिनगिन धगतिक धिनगिन तक धिन ननकट तिन ताकड़नक तिन ताकड़नक तिनगिन तक तिनगिन धिनगिन तक धिनगिन तक धिनगिन धगतिक धिनगिन तक धिन ननकट धा। ये था, तो ये आप बताइए कि ये कब से आप इसको प्रयोग में ला रहे हैं, यानी बजा रहे हैं कब से? मैं लगभग जब 4-5 साल का था तभी से मैं सीख रहा था। एक्चुअली मैं यहाँ का रहने वाला, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, और इस समय वर्तमान समय में मैं झारखंड की राजधानी रांची में रहता हूँ, और वहीं से मैं अपने नाना जी के यहाँ बचपन से सीखता था, अभी भी सीख रहा हूँ, और इसी से वहाँ पे मेरी जीविकोपार्जन चलती है, वहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, बच्चों को सिखाता भी हूँ। अच्छा, इसी के स्कूल में आप पढ़ाते हैं, यानी यही सिखाते हैं आप? जी बिल्कुल। तो ये कैसे आपकी जीविका चलती है? प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम हम लोग को सरकार की तरफ से वहाँ मिलता है, और ट्यूशन भी है, और स्कूल में टीचर के रूप में, तो अब तो बहुत अच्छा स्थिति तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अपने जीवन का जो जीविकोपार्जन होता है उसका चला जाता है, बस यही हम लोग का मेन है। अच्छा, तो ये अब तो बड़ा कम हो गया है ये सब? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस गाँव के बारे में बताना चाहूँगा कि आप जिस हरिहरपुर में आए हैं उसके बारे में सुनिए। हरिहरपुर घराना, घराना एक्चुअली वादन शैली, किसी के गायन शैली या वादन शैली के लिए प्रचलित होता है। घराना का संबंध संगीत उसी से होता है, जैसे बनारस घराना है, दिल्ली घराना है, लखनऊ घराना है, तो उनकी एक अपनी वादन शैली है। उसी प्रकार हरिहरपुर भी एक घराना है जो बनारस से थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ की अपने वादन शैली है, भी यहाँ के लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं उसमें अपने प्रस्तुति देते हैं। तो यहाँ का जो गांव का नाम है हरिहरपुर, उसी के नाम से यहाँ का घराना पड़ा है, हरिहरपुर घराना। इस 3 दिन पहले इस जिले में हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, अभी एक मामला उठा था, वो एक नाले को तिरंगे रंग से पर्दा बनाकर उसको ढांक दिया गया था। और मैं सवाल यह करना चाहता हूं कि अगर वो आए थे यहाँ पे आजमगढ़ में, तो आप लोगों के लिए क्या कहें और क्या कोई लाए हैं सुविधा? ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक छोटे से गाँव हरिहरपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था 4 अगस्त, और हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और उन्होंने संगीत से जुड़ा हुआ एक इतना महत्वपूर्ण घोषणा किया है, उन्होंने संगीत के विद्यार्थियों को देखकर, यहाँ के बच्चों को देखकर, यहाँ के एक विलुप्त होता हुआ एक इंस्ट्रूमेंट सारंगी है, उसको सुनकर उन्होंने यहाँ के बच्चों के लिए यहीं पर एक महाविद्यालय बनाने की घोषणा की। अच्छा, कि यहीं पर स्कूल होगा, महाविद्यालय होगा, जिससे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, उनकी शिक्षा दीक्षाएं भी होगी, जिससे उनको आगे बहुत सहूलियत होगा। और उसके अलावा जो आप आए होंगे तो सड़क देखे होंगे, काफी पतली है, उसको भी चौड़ीकरण करने का दिए, और एक मंदिर है हमारा बहुत प्राचीन, शीतला माँ का मंदिर है,
उसको पर्यटन विभाग को उन्होंने निर्देश किया, यहाँ पर शिव मंदिर है उसको बनाने का, बहुत सारे सौगात देकर ले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि संगीत सीखने के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने दिया है, और भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी वो स्थापना होगा, बच्चे वहाँ सीखेंगे। अच्छा अच्छा, अब विकास होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास होगा। ऐसे यहाँ से बहुत सारे लोग मैं आपको नाम गिनाता हूँ, जैसे हमारे पंडित बुलू महाराज जी गुरु हुए, वो यहाँ यहीं के रहने वाले थे, यहीं से जाके बिहार में बहुत ज़्यादा नाम किए। पंडित गणेश मिश्रा जी यहीं के थे, वो बहुत नाम किए। मेरे बड़े पिताजी थे रामकिशोर मिश्रा जी, वो नाम किए। अंबिका प्रसाद मिश्र जी जो यहीं के रहने वाले हैं, देवदास मूवी में उन्होंने बजाया भी है। अच्छा अच्छा, देवदास मूवी में बजाया? जी माधुरी दीक्षित के साथ उन्होंने बजाया। एक बार हो जाए वही गाना। वो तो उसमें जो एक बिरजू महाराज जी के जो साथ था वो बजाए थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अभी जो आपके पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी हैं, वो हमारे ही गांव के रहने वाले हैं, मोदी जी के प्रस्तावक भी रहे हैं जब उन्होंने बनारस इलेक्शन लड़ा था। तो हैं बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से निकल के हिंदुस्तान के लेवल पर उनका नाम है, और उसके नाम से हमारा गाँव भी जाना जाता है कि हाँ वो वहीं के रहने वाले हैं। थोड़ा सा बीच बीच में एक होता रहे, हाँ, गाने के माध्यम से ये बजाइए। मैं आपको तबले का, चूंकि मैं तबले से हूँ तो मैं आपको तबले का एक और चीज सुनाता हूँ, एक जरा थोड़ा सुन लीजिए। अच्छा, इस माहौल में जो इस समय माहौल चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि भोजपुरी में जो माहौल चल रहा है, हिंदी में माहौल चल रहा है, इस समय में ये तबला का अब तो सिस्टम खत्म हो गया। जी जी, है कि नहीं? देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते हैं तबला का सिस्टम खत्म हो गया है। तबला तो एक प्राचीन वाद्य है, पहले से चला आ रहा है और अभी भी रहेगा। हाँ, लोगों में थोड़ा सा प्रचलन कम हो गया है, तो इसका कारण है कि भाई आप देख रहे हैं पाश्चात्य संगीत, अब लोगों के पास समय नहीं है। तो शास्त्रीय संगीत क्या है, ये एक लंबे समय, एक पीढ़ी दर पीढ़ी को सीखने की चीज होती है। जब पिताजी जब पूरे जीवन सीखते हैं तो अपने जीवन का प्रसाद उनके पुत्र को मिलता है, तो उनके पुत्र भी उनसे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब जाके उनका नाम होता है। ये बहुत लंबे समय का चीज, आज के बच्चों में उतना धैर्य नहीं है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी सीखे। वो चाहते हैं कि हम आज सीखें और कल मेरा नाम हो जाए, यूट्यूब पे हो जाए, फेसबुक पे हो जाए, लोग जान जाए, प्रचलित हो जाए। जो शास्त्रीय संगीत में संभव नहीं है, इसके लिए बहुत लंबा अभ्यास करना पड़ता है, बहुत लंबा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन आप लोग गीत देखे होंगे और भी बहुत सारे पाश्चात्य संगीत जो आते हैं, वो उनका एक समय होता है, वो दो चार पाँच छः महीना के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। कलाकार भी वैसे ही हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं वो प्राचीन काल से रही है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। प्रचलन में कम हो गया है, आगे हम लोग मेहनत करेंगे। अगर कोई इस माहौल के समय में अगर कोई बच्चा अगर सीखता है तो अपनी जीविका, अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा जब अब चल ही नहीं रहा है तो? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत सही है। इसमें थोड़ा सा मैं सरकार के तरफ थोड़ा सा इसका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इस दिशा में कि हमारे यहाँ जो शास्त्रीय संगीत है वो सिर्फ हमारा ही देन है। पूरे हिंदुस्तान में जो शास्त्रीय संगीत है पूरे विश्व पे जाना जाता है। यहाँ से लोग लंदन से लेकर अमेरिका से लेकर सब जगह लोग जाते हैं, यहीं की चीज़ें लोग लेकर जाते हैं, वहाँ लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, यहाँ फैसिलिटियाँ थोड़ा कम है। तो स्कूल में, कॉलेज में और तरह तरह की अगर वैकेंसियाँ निकालेंगे, लोगों को अगर सरकार ध्यान दे, उनको नौकरी उपलब्ध कराए संगीत से, तो आगे स्थिति ठीक हो सकती है। अच्छा अच्छा, आप भोजपुरी में जो कहा जाता है और हिंदी में कि अश्लीलता बढ़ गई है पहले से, और शास्त्रीय संगीत तो ये नहीं सिखाता है। जी बिल्कुल नहीं, अश्लीलता जो बढ़ रही है अब उसको, अब उसके लिए तो हम अब किसी को दोषी तो नहीं बता सकते हैं। समय के अनुसार लोग संगीत के रूपों को बदल रहे हैं, लेकिन ये सच है कि अश्लीलता बढ़ रही है। लेकिन समय है, वो एक समय अश्लीलता बढ़ रही है, लोगों को फिर समझ में आएगा, जागरूक होंगे लोग तो पसंद करेंगे, फिर शास्त्रीय की तरफ ही लोगों को लौटना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि उससे हट के लोगों को फिर वापस हमको शास्त्रीय संगीत की तरफ ही लोग आएंगे। शास्त्रीयता अश्लीलता बहुत समय तक नहीं टिकती है, ये कभी भी पीछे समय में भी अगर रहा है तो वो छोटे समय के लिए रहा है। और हम उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि अश्लीलता हटेगी और फिर शास्त्रीयता की तरफ हम लोग फिर पुनः बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा सा बताइए, जो हमारे जो इच्छुक हैं दर्शक अगर सीखना चाहते हैं तो आखिर किस तरह से इसका शुरुआत करें? तबला का पहले सबसे पहले इतिहास जान लीजिए कि तबला जो वाद्य है वो पखावज को काट कर बनाया गया है। सबसे पहले पखावज भगवान गणेश का वाद्य कहलाया जाता है, पखावज बजता था। पखावज को काट कर अमीर खुसरो के समय में तबले का निर्माण हुआ है। अच्छा, अमीर खुसरो? जी जी, ये अमीर खुसरो के समय उसको काट कर तबला बनाया गया। उसके बाद बहुत सारे तबला के विद्वान हुए,
पंडित शामता प्रसाद जी, पंडित श्री किशन महाराज जी और बहुत सारे अलरखा खां साहब हुए और त्रिपुरा खां साहब हुए। यानी कि तबला से हर जाति के लोग जो है कि जुड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल, किसी एक जात से हम लोग नहीं जोड़। संगीत का संबंध किसी जाति से है ही नहीं, ये जात पात धर्म सब चीज से ऊपर उठा हुआ चीज है। संगीत जो है वो किसी बंधन में कभी किसी के साथ, जिसने किया उसको मिला। संगीत साधना का चीज है, जिसने साधा उसके पास गया वो। संगीत किसी के पास, संगीत से ही कृष्ण जी को पाए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवान शंकर से लेके, भगवान शंकर इतने बड़े संगीतज्ञ थे, भगवान श्री कृष्ण को इतना बड़ा संगीतज्ञ माना जाता है। नृत्य के क्षेत्र में भी आप देखिए तो नटवर भगवान शंकर को भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, और जितने भी देवी देवता करते हैं जी, शंकर जी, जितने भी देवी देवता हैं आप लगभग देखिएगा कि उनके हाथ में संगीत से जुड़ा हुआ एक चीज होगा। माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है, गणेश जी के हाथ में फावड़ा, जयशंकर जी के हाथ में डमरू है, कृष्ण के हाथ में बांसुरी है। लगभग सारे देवताओं के हाथ में संगीत का एक साधन है। और संगीत सामवेद, हमारा जो शास्त्रीय में सामवेद है वो संगीत ही है, ईश्वर के पास पहुंचने का, अध्यात्म को से जुड़ने का, और अध्यात्म को बहुत आसानी से समझने का सबसे आसान माध्यम संगीत है। आप संगीत से ईश्वर को सबसे पहले खुश कर सकते हैं, सबसे पहले पहुंच सकते हैं। पहले पुराने जमाने में संगीत से लोग गाकर बजाकर भगवान को खुश किया करते थे, जब वो कम हो गया तो लोग घड़ी घंटा बजा के और थाली बजा के लोग भगवान को खुश करते हैं। अब थाली बजा कर और जो है कि तालियां बजा कर भगवान को खुश किया जाता है, कोरोना का भगाया जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इसका सीखने का प्रोसेस बता दीजिए हमें कि किस तरह से, अगर पहली बार है कोई सीखना चाहता है तो कैसे। सीखने के लिए किसी न किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। वो तो गुरु ही उनको बताएंगे। उसकी एक शैली है जो, जहाँ से वो पहले हाथ रखना सिखाते हैं कि कैसे हाथ को रखा जाए, हाथ को रखना रखा जाएगा, थोड़ा सा बताइए। देखिए तबले का सबसे पहला बोल मैं आपको बजा कर सुनाता हूँ, जो जिस दिन तबला आप सीखने जाइएगा उस दिन आपको सबसे पहला क्या बजाएगा। सबसे पहला बताया जाता है धा। ये धा बजाने का हुआ, एक एक शब्द को निकाला जाता है। ये धा हुआ, ये ते हुआ, ये टे हुआ, फिर था हुआ, फिर तुम हुआ, फिर ना हुआ, एक सबसे पहला बोल होता है जिसको अच्छा, बोलते हैं। लोग सोच रहे होंगे जो नए नए होंगे कि आखिर ये तबला तो एक ही है लेकिन आवाजें कई तरह से निकल रहा है, शब्द हाँ। जो मैंने आपको एक बोल पढ़ के बजाया, जो बोल पढ़ के बजाया धिनगिन तुन्ना धिन्ना, ये सबको बना के जो बोल बनती है वो सारा चीज इसमें निकलता है। धिन धा धा घड़नक धनगिन धगतक धनगिन तक धिन नना के टतक टतक टधा घड़नक धनगिन धगतक धनगिन तक धिन नना के टतिन ताकड़नक तिन ताकड़नक तनगिन तक तनगिन धनगिन तक धनगिन तक धनगिन धगतक धनगिन तक धिन नना के टधा। तो जी बिल्कुल, ये बहुत टेढ़ा है और ये शब्द मैंने जो बोला वो सारे शब्द तबला से निकलते हैं। जो इसको सीखते हैं, जो जानते हैं वो स्पष्ट इसको समझते हैं। चूंकि आप लोग पत्रकारिता से संबंधित हैं, आप लोग इसके उतने डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन जब भी हमारा परफॉर्मेंस होता है, इसको सुनने वाले लोग जहां आते हैं वो बिल्कुल समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो मेरे तबले से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो निकलता है, वो बजता है और एक ताल लयबद्ध में होकर बजता है, उसके साथ एक हारमोनियम होता है, लयबद्ध में बजकर इसकी प्रस्तुति होती है। तो बहुत लंबे समय जब आप सीखेंगे तब उस प्रस्तुति देने के लायक होते हैं। तो सबसे पहला बोल जो मैं आपको बता रहा था वो मैं आपको बजा के सुनाता हूं। बोल कर भी धा धा तुन ना ता ता ते ते धा धा तुन ना धा धा ते ते धा धा तुन ना ता ता ते ते धा धा दुन। ये तबला जब आप पहला बार सीखने जाएंगे, कोई बच्चे जब सीखेंगे तो उसको प्रारंभिक सबसे पहले जिसको बोलते हैं कखा गगा जिसको बोलते हैं, तो ये तबला का कखा, ये इसका कखा। हाँ, इसी तरह धीरे धीरे शब्दों से परिचित कराया, धा तुन्ना धिन्ना किन्ना त्रिकेट धिरकेट धा त्राण धान, ये शब्द से परिचय जब, हाँ जब शब्द से परिचय, हाँ जैसे आप कखा गगा सीख लिए तो आप कमल लिखना सीख जाएंगे, खरगोश लिखना सीख जाएंगे। तो उसी तरह पहले शब्द से परिचय कराया जाता है, उसके बाद धिनगिन तिनगिन धिने के बाद। कोई भोजपुरी गीत आप सुना सकते हैं? गीत से तो मेरा ताल्लुकात नहीं रहा है, पंखा चला तो कोई दिक्कत नहीं। गीत से तो मेरा ताल्लुकात, मतलब मैं तो तबले से हूँ, लेकिन और भी आप बच्चे अगर से आप इंटरव्यू लीजिएगा तो आप जो गाने की विधा से हैं वो आपको गाने में एक क्या नाम है गोल्ड मेडल, हाँ जी बिल्कुल, आदर्श मिश्रा है वो। अभी जो यूथ फेस्टिवल हुआ था आज भी उसका हो रहा है, जिले लेवल पे हो रहा है, उसमें गया हुआ है तो गोल्ड मेडल ले आया है वो। उसका काफ़ी नाम है, आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च करेंगे तो आदर्श मिश्रा करके उसका भी आता है। उससे जो एक छोटा भाई है वो सारंगी बजाता है, उसका नाम आशीष मिश्रा है, वो भी बहुत, उसका नाम है सारंगी बॉय करके, आप खोजेंगे तो उसका डिटेल मिल जाएगा। और आपका भी कोई चैनल है क्या यूट्यूब पे? तो कोई चैनल नहीं बना रखा है। टीचर हैं जी, मैं शिक्षा देता हूँ, झारखंड में रहता हूँ, रांची में। सरकारी
नहीं नहीं सरकारी में, प्राइवेट स्कूल में हूँ और अपना कोचिंग वहाँ पर है तबले का शिक्षा के लिए और संगत के लिए। आते हैं लोग सीखने के लिए? बिल्कुल 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 आते हैं, इतना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट है और इतना है। यूपी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोग या कि वहाँ पे? क्योंकि ये यूपी का ही मतलब देखिए हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे मैं झारखंड में था तो वहाँ का ट्रेडिशनल म्यूजिक अलग है, वहाँ के आदिवासियों का अलग म्यूजिक है, लेकिन रिलेटेड इसी से है, किसी ताल से किसी लय से ही आप संबंध रखते हैं संगीत, चाहे कोई भी हो। अगर पाश्चात संगीत हो, आप विदेशी कहीं का हो, लोक धुन हो, किसी न किसी शास्त्र से उसका जुड़ाव होता ही है। आप जो भी बजाएंगे तो वो जुड़ा रहेगा उसे, तो थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ पे, लेकिन हम लोग उसको समझ जाते हैं क्योंकि हमने शास्त्र सीखा है तो हम उसको समझ जाते हैं जी। तो एक हो जाए उसके बाद समाप्ति की ओर ले चलते हैं। मैं आपको तबले का एक छोटा सा और चीज़ सुनाता हूँ, टुकड़ा एक सुनाता हूँ, उसको सुनिए। एक ही सांस में बोलना रहता? नहीं नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं, हमने बोल दिया क्योंकि बोल के बजाने की आदत नहीं है। हाँ लेकिन आपने कहा तो हमने बोल के भी बोल दिया, लेकिन एक्चुअली बोल के इसका परफॉर्मेंस होता नहीं है, हारमोनियम रहता है साथ में उससे हम लोग। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे शास्त्रीय कलाकार जिनका नाम सुरेश कुमार मिश्रा है और इनसे हमने वाद विवाद किया, और जो भी आपका अगर प्रश्न है ज़रूर कमेंट करें, हम जरूर इनसे दोबारा आएंगे तो पूछेंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं और हम बता दें किस जगह पे हैं। सबसे पहले आजमगढ़ हरिहरपुर घराना आता है, हरिहरपुर आप आएंगे तो हरिहरपुर घराना अगर पूछेंगे कोई भी बता देगा। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।